اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈش فار یو دبئی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج آپ کے لیے میں بہت ہیلدی سیلڈ لے کے آئی ہوں یہ ہے ایووکاڈو کارن سیلڈ یہ بہت ہیلدی ہے ڈائٹ کانشیس لوگوں کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے یہ ہاں جی یہ ایووکاڈو میں ایووکاڈو سیلڈ ہے یہ ہے ایووکاڈو ایک آپ ایووکاڈو لے رہے ہیں اس کے ایسے سلائس کر لیں एक अनियन है और उसको स्लाइस कर ले यूं ये स्वीट कॉर्न्स हैं और ये कुकम्बर हैं दो आप ऐसे काट लें ठीक है अब मैं आपके सामने मिक्स करती हूँ ये आधा चाय का चम्मच काली मिर्चे हैं आधा चाय का चम्मच नमक है क्योंकि मैंने इसमें प्याजों को भी नमक लगाया हुआ है और दो टेबल स्पून लेमन जूस है दो टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है और ये पार्सले है अगर पार्सली नहीं अवेलेबल आप ये धनिया पुदीना भी और धनिया भी डाल सकते हैं ये देखें ये एवोकाडो में डाल रही हूँ ठीक है ये प्याज डाले मैंने ये प्याज ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है ठीक है और ये मैं काली मिर्चें डालने लगी हूँ ये लेमन जूस डाला मैंने सॉल्ट क्योंकि मैंने प्याजों को भी लगाया हुआ था मैं इसलिए कम डाल रही हूँ ये ऑलिव ऑयल है टू टेबल स्पून और ये पार्सले ये ये देखेंगे मैं ऊपर थोड़ा सा पार्सले ऐड कर दूँ ठीक है नहीं है धनिया पुदीना डाल लें बंद हाँ जी ये सैलेड माशाल्लाह रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए आप मुझे शेयर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें मैं अपनी पोस्ट उधर फेसबुक पे भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बर्गर भी लाने वाली हूँ बड़े डिफरेंट किस्म के बर्गर होंगे मुझे फरमाइश आई है बर्गर की तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डिफरेंट साइज के बर्गर भी लाऊंगी हाँ जी इस पे ना चेरी टोमेटोज भी डालने हैं सही है ये देखिए अगर आपके पास नहीं है चेरी टोमेटोज कोई मसला नहीं है आप सादे टमाटर काट के डाल लें ठीक है मुझे मिल गए थे मैं ले आई मैंने डाल दिए कुछ लोग टोमेटोज पसंद भी नहीं करते हैं मैं जस्ट ये डेकोरेशंस के लिए डाल रही हूँ ओके ये देखिए एक मिनट ये मैं ऐसे डाल देती हूँ ये एक मिनट आपको मैं डेकोर करके दिखा दूंगी वेट फॉर वन मिनट ओके जी अल्लाह हाफिज ये देखें ये डेकोर हो गया